हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में, जो कि है लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेक्चर 1 में हमने सारा बेसिक जाना था कि किस टाइप के ग्राफ होते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन का कोफिशियंट से क्या रिलेशन होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ्स, यानी कि ग्राफिकली हम किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ना कि हम किस तरीके सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड से। जो अभी मैंने 3 मेथड मेंशन किए थे उन मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो कि हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। एक्सरसाइज 3.2 में जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो ग्राफ्स के ही क्वेश्चन थे, तो उस पर आज ये सेपरेट मैंने लेक्चर बनाया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, जिसका जो ग्राफ आता है वो पैरेलल लाइंस आता है, ग्राफ तो इसका भी बन जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट वाला बनाना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तब ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तब उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। तो इन 4 क्वेश्चन में से हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, जिससे हम सिर्फ उसी का ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें, बिकॉज रेशियो, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2, जैसे कि आप जानते हैं। तो x का कोफिशियंट a1 जो कि है 1, और इधर x का कोफिशियंट है 2 जो कि है a2 1/2। इस तरीके से b1 अपॉन b2 तो वो है 1 और ये है 2। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 तो उसमें है पहली इक्वेशन में 5, इसमें है 10, 5 1 5 5 2 10। तो यहां पे सारे 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बट है तो कंसिस्टेंट, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा जो है बच्चों वो 1/3 आएगा, लेकिन ये 1/2 आएगा, ये इनकंसिस्टेंट आएगा, आप साफ देख सकते हैं, यानी कि आप रेशियो कंपेयर करके पता लगा लीजिएगा। फिलहाल देखने से जो मैं पता लगा पा रहा हूं वो इनकंसिस्टेंट है ये। नेक्स्ट वाला 2/4 दैट इज 1/2, 1/-2 ये भी बच्चों जो है इनकंसिस्टेंट है। नहीं 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 अभी, हाँ इसमें करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंसिस्टेंट ही आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, बस कंसिस्टेंट तो है बट यूनिक सॉल्यूशन है ये। इसमें ग्राफ जो होगा वो एक जगह पे कट करेगा, वो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, यानी कि एक ही लाइन पर आएगा। ये वाला 2/4 कहने का मतलब ये हो गया कि इक्वल आ जाएगा 1/2, और माइनस का 2-4 ये भी 1/2 आ जाएगा, -2 ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि तो इसमें आ रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये भी आपका इनकंसिस्टेंट आएगा। तो हमें बस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए देखते हैं, तो जैसा कि पहला वाला है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक सॉल्यूशन टेबल आपको क्रिएट करनी है और इक्वेशन फर्स्ट x+y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, 2x+2y = 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पहली इक्वेशन के लिए अगर हम सॉल्यूशन टेबल बनाए, आपको क्लास 9th में आपने ये बनाई होंगी, आपको याद होगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है, 3 पॉइंट काफी रहते हैं प्लॉट करने के लिए। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए मैं बना रहा हूं ये एक्स वाई, और फिर देन ये कोऑर्डिनेट ले लीजिए x, y। अगर x की वैल्यू हम 1 करें तो ये 1 उधर माइनस में जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं 2 कर दूं तो ये 3 होगा, और अगर मैं ये 3 कर दूं तो ये 2 होगा। तो ये 1, 4, 2, 3 और 3, 2। तो 1, 4 कहाँ मिलेगा आपको, 1, 4 यहाँ मिलेगा, 2, 3 आपको यहाँ मिलेगा,
एंड 3.2 आपको यहां मिलेगा। इन तीनों पॉइंट को लेते हुए एक लाइन आपको बना देनी है कुछ इस तरीके से, बिकॉज मैं मार्कर से बना रहा हूं तो ये नहीं बन पा रही है ठीक, थोड़ा सा कर्व आ रही है, बट अगर आप रूलर का यूज करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। बट दूसरे वाला जो आप बनाएंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो सेम सॉल्यूशन टेबल इसका भी आएगा, यानी कि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सेम लाइन हो गई दोनों की। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसके सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ये आप लिख देंगे तो ये ऑब्टेन सॉल्यूशन हो गया हमारा ग्राफिकली। मेनली यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा वही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे 2x प्लस y इक्वल टू माइनस 6 है, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। इसका एक हम टेबल बना लेते हैं या डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर हम x की जगह 1 पुट कराएं तो y की जगह 2 वन जो 2 और 6 में से 2 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा अगर हम x की जगह 2 कराएं 2 टू जो 4 तो ये 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा 2.2। और अगर हम 3 पुट करा दें x की जगह 3 पुट करा दें तो 2 3 जो 6 तब ये 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। 1.4 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, 2.2 ये रहा, 3.0 ये रहा। तो इस तरीके की एक इक्वेशन आएगी, ग्राफ बन जाएगा, दैट्स ऑल। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हो गया है, बिकॉज वो इसीलिए हो गया क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। आप रूलर का यूज करके बनाइए तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन आएगी। ये लाइन किसकी हो गई, ये लाइन हो गई 6 माइनस 2x बराबर y की। अब बात कर रहे हैं हम इसकी, 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहली बात तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2, जैसा कि सॉल्व करेंगे आप उसके बाद। एक सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 टू 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यही इसका सॉल्यूशन है। देखो 2.2 इस पे भी आ रहा है, 2.2 इस पे भी आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन हमको मिल गया। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 3.4। तो 2.2 तो यही रहा, 1.0 ये रहा और 3.4 3 है x की वैल्यू, y की वैल्यू है 4, ये वाला रहा। तो ये लाइन इस कुछ इस तरीके से बन के जाएगी, वो भी ठीक ठीक नहीं जा रही है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से आएगी, यस। ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 2 की। तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2.2, यहां पे आप लिखेंगे दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2.2, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन इज 2.2, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ ग्राफ से पता लगाया। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी रेफरेंस बुक से आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ये बोलेगा कि शेड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस के साथ, इसको यह कहेगा वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करो, तो वाई एक्सिस के साथ ये ट्राइंगल बन रहा है, कहेगा इसका एरिया निकालो। इस पे एक क्वेश्चन अभी है आगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा था अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स है, वर्ड प्रॉब्लम सारे एक साथ कराऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन ये है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो उसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, दूसरा जो उसके साथ पैरेलल लाइन बनाए जो उसके साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाए। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन आप जानते होंगे, बस आराम से हो जाएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पैरेलल लाइंस की आप कंडीशन जानते होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन की आप कंडीशन जानते होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो उसके बेस पे हम बना देंगे। देखो पहला वाला आंसर वो 2x है तो हम यहाँ 3x कर देते हैं, वो 3y है तो हम यहाँ 2y कर देते हैं, माइनस 8 7 कुछ भी कर दो, प्लस 8 कर दो बराबर 0,
a1 अपॉन ए टू नॉट इक्वल आएगा b1 अपॉन बी टू, बिकॉज a1 अपॉन ए टू आएगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन बी टू आएगा 3 अपॉन 2, नॉट इक्वल हो गया, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, बहुत सिंपल है। सेकंड वाला पैरेलल लाइंस, यानी कि a1 अपॉन ए टू इक्वल रखना है b1 अपॉन बी टू, तो 2 की जगह 4x कर दीजिए प्लस 3y की जगह 6y कर दीजिए, तो 1/2 आंसर आ जाएगा बिकॉज दोनों डबल है, लेकिन 16 की जगह आप 10 कर दीजिए, 8 to the 16 होना चाहिए था बट यहां मैं 10 कर दे रहा हूं, तो a1 अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन सी टू। तीसरा वाला, इसमें हमें सारे इक्वल करने हैं, वही करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो यहां पे आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी बिकॉज यहां पर a1 अपॉन ए टू इक्वल है b1 अपॉन बी टू इक्वल है c1 अपॉन सी टू। तो एक आपको इक्वेशन दे रखी होगी, दूसरी इक्वेशन आपसे बनवाई जाएगी और नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो को कंपेयर करके बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, आगे लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी बताइए जो इन लाइन से बन रहा है और साथ में एक्स एक्सिस से बन रहा है, और उसको शेड भी करिए। मैंने कहा था अभी पीछे एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बट आगे अगर आप किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछता है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी बताइए, तो इसमें आप ये ऐड कर लीजिए क्योंकि मैं यहां पर एरिया भी निकालने वाला हूं। तो ग्राफ के जितने भी इक्वेशन, सॉरी ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो आपके इस लेक्चर में फिनिश हो गए बच्चों, या तो आपसे ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगेगा वो, या आपसे कहेगा कि इसको सॉल्व करिए ग्राफिकली और ट्रायंगल का एरिया बताइए जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है या वाई एक्सिस के साथ, बस ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनके हम ग्राफ बना लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर हम यहां से y की वैल्यू में इसको चेंज करें y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में इसके लिख देता हूं, टेबल नहीं बना रहा हूं, इतने समझदार आप हैं, तो x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1,2 हो गया एक, और x की वैल्यू चलिए 2 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो 1,1 ही रहेगा, 3 पॉइंट काफी है बनाने के लिए, 1,2 ये पहले वाली इक्वेशन के लिए है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है बच्चों और y की वैल्यू 2 है, तो 1,2 यहां मिल जाएगा, 2 पर 3 है यहां मिल जाएगा, और 0 पर 1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है यहां मिल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन आपको जाती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां से जा रही है और ये यहां से जा रही है इस पॉइंट से, और इसको लंबा कर दीजिए, किसकी इक्वेशन है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के इक्वेशन की लाइन। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब कुछ ऐसी वैल्यू पुट कराइएगा जो आंसर होल नंबर में आए, ठीक है, ये 9th क्लास में बात बताई जाती, फ्रैक्शन में ना, जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करा रहा हूं तो 12 में से 3 जाएगा, 3 बन से 3, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 9/2 हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। x की वैल्यू 2 पुट कराते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा, 2,3 हो गया एक सॉल्यूशन इसका। दूसरा सॉल्यूशन बना लीजिए, दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए चलिए x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 12 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करिए 6 आएगा, 6 y की वैल्यू 6 आएगी, ग्राफ में लगभग यहां आएगी, चलो मिल जाएगी, तो 0,6 हो जाएगा। एक और बना लीजिए, चलिए ऐसा करते हैं x की वैल्यू 4 कर देते हैं, तो 3 × 4 = 12, 12 से 12 गया 0 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट्स ऑल। 2,3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये वाला ही पॉइंट है, यानी कि इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, 0,6 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 ये पॉइंट रहा, और x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 ये पॉइंट रहा, यानी कि जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, यस, इसकी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई इक्वेशन की, ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये हमारा इसका बन गया ग्राफ। अगर सॉल्यूशन पूछा होता तो सॉल्यूशन ये होता, कौन सा सॉल्यूशन होता है, 2,3, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमसे ये कहा गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल शेड करिए और उसके वर्टेक्स बताइए ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल का जो वर्टेक्स होगा वो एक हो गया 2,3, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एक बी हो गया बच्चों दैट इज माइनस 1,0, और इसको सी मान लेते हैं दैट इज 4,0। अब अगर इसका एरिया पूछा होता तो बच्चे कहेंगे सर एरिया कैसे निकाले, तो आपको याद ही होगा एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये तो ठीक है, अब इसका बेस हाइट तो है नहीं, बड़ा सिंपल है बच्चों, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे आप एक्स एक्सिस पर,
अगर वाई एक्सिस से ट्रायंगल बनवाया होता ना, उसको मैं दूसरे कलर से शेड करना चाहूंगा, उसके बाद वापस इसको कंटिन्यू करूंगा। कलर येलो ले लेता हूं। अगर दूसरा ट्रायंगल बनवाया होता तो वो ये होता वाई एक्सिस के साथ। देख लो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल आ रहा है वो ये ट्रायंगल होता, बट हमें एक्स एक्सिस के साथ बोला गया है तो मैंने ये वाला ले लिया। इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है। देखिए तो ये मैंने बना दिया आपका ट्रायंगल और वर्टेक्स आ गए। वर्टेक्स ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप आंसर में वर्टेक्स लिख देंगे। बट यहां पे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको करना ये जो एक्सिस पर नहीं आ रहा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं आ रहा, ये वाला है जो एक्सिस पर नहीं आ रहा, बिकॉज ये भी एक्सिस पर है, ये भी एक्सिस पर, वहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे एक्सिस पर, जिस एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये वाला ट्रायंगल होता तो मैं ये परपेंडिकुलर डालता, तो ये हाइट का काम करेगा और ये वाला पूरा बेस हो जाएगा। देख लो ये 90 डिग्री पर तो आ रहा है, तो बड़ा आसान है हाफ। अब बेस देख लो, बेस कितने यूनिट है, एक दो तीन चार पांच, चार तो ये रहे और एक ये रहा माइनस में। अभी माइनस मत कर लेना गलती से, बोले सर चार ये है इसको माइनस कर लो, तीन बचा। नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, हमें तो बेस लेना है ना। चार यूनिट ये आ रहा है, वन यूनिट ये आ रहा है, तो पांच यूनिट हो गया बेस। अब हाइट देखो कितने यूनिट आ रही है, तो हाइट जा रही थी तीन तक, देख लो तो तीन, फाइव थ्री या फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन टू स्क्वायर यूनिट, इस ट्राइंगल का एरिया भी आ गया 15 अपॉन टू स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं यहां पर, तो ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है वो किसी भी रेफरेंस बुक से, आरडी शर्मा से, उपाध्याय से, एम एल अग्रवाल से, आर एस अग्रवाल से, कोई से भी किताब उठा लीजिए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के आते हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया, और किस एक्सिस के साथ देखता जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो किसी भी रेफरेंस बुक से बेटा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।